तो स्वागत है आप सभी का भाई लोग हमारे इस ब्लॉगिंग के चैनल पे। और मैं आज आपको एक बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी गांव में जहां भी हो मोटी कमाई कैसे कर सकते हो। ये आप सामने देख रहे होंगे चिमनी भट्टा, जिसमें सुबह सुबह का टाइम में काम लगा हुआ है, और ये मुंशी जी हैं उसके देख रेख के लिए इधर। तो आपको बताएंगे पूरी वीडियो में कितनी लागत पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरत कैसी है। तो ये भट्टा हमारा बेहद ही अच्छा लोकेशन में है, यानी कि गांव से ठीक बाहर साइड में, ये पहाड़ों और जंगल के किनारे में। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, औरंगाबाद ज़िले में पड़ता। तो आप इधर देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा भी है सुबह का, पहाड़ों के बगल में ये। और आपको ये बिजनेस करने के लिए लगभग कम से कम 10 से 15 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, तब अच्छे तरीके से आप चला पाओगे। अगर 10-15 एकड़ ज़मीन है तो आपका काम भी अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखाता हूँ। तो अभी आपको मैं ले चलता हूँ चिमनी के ठीक सामने, और देखिए मिट्टी का कितना ढेर लगाया गया है, क्योंकि ये ईंटा मिट्टी का ही काम ही है। ये इस प्रकार से मिट्टी को देखिए ये ठेला गाड़ी के रूप में बना कर रखे हैं, मिट्टी को पहुँचाते हैं उस एरिया में, वहाँ पर ईंटा को पड़ा शेप में दिया जाता है। और देखिए उधर भी बहुत, ये उधर जो पक्की ईंटे है उसको ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा है बाहर के लिए। अभी आप देख सकते हैं ये जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कुछ, इससे भी ईंटा को बाहर निकाला जाता है। अभी देख सकते हैं इसमें ईंटा फिल है और ये पकी हुई ईंटे है। और ये भट्टा बहुत ही लंबा चौड़ा है, क्योंकि ये 10 लाख ईंटों का भट्टा, और चिमनी भी इसका बहुत ही ऊँचा, आप देख सकते हो 105 फीट का ये चिमनी बनाया गया था। और ठीक इस भट्टे से पहले जो हमारा वो भट्टा, उसका चिमनी 80-85 के करीब है, 80 से 85 फीट का। तो अभी आपको आगे दिखाऊंगा फिर से क्या होता है, चलिए बने रहिए वीडियो। मिट्टी को मोल्ट कर लिए हैं, पहले देखिए भींगा लिए हैं, उसके बाद ये ईटा इस प्रकार से इस वाले सांचे से पारते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप। और जो ये पारने वाले लेबर्स होते हैं मजदूर, उनका ये घर प्यारा सा छोटा सा घर देख सकते हैं, टेम्प्रोरी बनाया जाता। आगे आपको ले चलता हूँ, कितना काफ़ी दूर एरिया में ये हमारा जो भट्टा फैला हुआ है, तो आपको बताऊंगा क्या लागत लगता है। ये भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं कि आप अगर ये इस प्रकार का एक बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ईंटे को पारते हैं सांचा में डाल डाल के उलट के। तो अभी मैं अपने भट्टे पे घूम रहा हूँ, इसी प्रकार से आप देख सकते हो इधर से ये सीन कितना हैवी है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का धूप है। तो आपको मैं दिखा रहा था, ये देखिए मिट्टी को उलट फेर भी किया जाता है कुछ देरी देरी में, जैसे भी हमारे पास भी है, एक जैसे भी तो रखना भी ज़रूरी है अगर आपके पास भट्टा का अच्छा कारोबार है। तो इसके लिए हमने एक जैसे भी रखा। चलिए आपको दिखाएंगे, ये हमारे भट्टे का मार्का देखिए, बड़ा ईटा ब्रिक्स। तो आपको मैं दिखाऊंगा, देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी सूर्य भगवान उधर से नज़र आ रहे हैं पीछे साइड से, आप देख लो। तो मैं आपको ले कर चलता हूँ कि किस प्रकार से आप बिजनेस को कर सकते हैं, क्या इसमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसको इनिशियल स्टार्ट करने के लिए आपके पास 50 से 60 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि आप जो ये चिमनी देख रहे हो, चाहे ये चिमनी देख लो जो भी है, इसे बनाने में ही आपको 2.5 से 3 लाख कच्चे ईंटे का प्रयोग करना होगा। तो आप देखो तो अगर चिमनी और डग को बनाने जाओगे तो 30 लाख रुपये तो इसमें ही चाहिए, 20 लाख का चिमनी, 10 लाख का डग, ये जो, और 6 से 7 लाख रुपया उसी में इंक्लूड है, वो आपको इनका लेबर का कॉस्ट है जो चिमनी को बनाते हैं। ये हमारा पुराने वाले चिमनी है, देख सकते हैं, इसका व्यू आपको दिखा देता हूँ। तरह से ये गेट बनाए जाते हैं यहाँ पे, इससे धुआं ही, इसी से इसका जो फ्लेम है ऊपर की ओर जाता है ऐसे चिमनी में और बाहर निकलता। हालाँकि ये अभी बंद पड़ी है, तो अभी जैसे ही अभी सीज़न का स्टार्टिंग है तो कच्ची ईंटे डलाने के बाद ये पकेगी, तब शुरुआत होगी। और आपको जैसा हमने बोला था कि हमारे पास जैसे भी है, तो ये दिख रहा होगा आपको, देखिए ये है हमारा जैसे भी, एक यहाँ पे इको एक्सपर्ट है जो कि अच्छी कारगर मशीन है,
कम तेल में ज़्यादा काम लेते हैं इससे। यह हमारे पास 4 ट्रैक्टर अभी दिख रहे होंगे, हमारे पास टोटल 7 ट्रैक्टर हैं, तो 3 आपको नहीं दिख रहे होंगे, 3 में एक वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बीडी है ब्रेकडाउन, वो 5 हो गए और 2 हमारे रूट में भी गए, एक को आपने ईंटे चलते देखे थे। तो बिकाओ जब हमारे यहाँ 1500 ईंटे ही लोड होते हैं तो हमने महिंद्रा 265 रख लिया, क्योंकि 30 HP का गाड़ी है, बहुत अच्छा है 3 सिलेंडर का। एक हमारे पास इससे मजबूत गाड़ी सोनालिका की 734 है। तो अगर आपको बता दूं, इस गाड़ी को अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उससे पहले अगर गाड़ी नहीं है तो भी कर सकते हो, क्योंकि भाड़े में गाड़ी मिल जाएगी आपको, बट आपको ये जो चिमनी डग, ये 2.5-3 बीघा ज़मीन, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए ही आपको 60-70 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि 60-70 लाख रुपए में क्या पूरे अच्छे से आप चला लोगे इस बिजनेस को, तो जी नहीं, लेकिन आप 60-70 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद कुछ बेनिफिट कमा के आगे की ओर बढ़ सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो आप 1 करोड़ रुपए तक कर लिए तो आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि ये एक तरह का कच्चा बिजनेस है, क्योंकि इसमें जब कुछ बारिश का सीन होता है कभी, अगर आपको ईटा बारिश से भीगने का भी शिकायत है, क्योंकि अगर मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है तो आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ये सीजनेबल ही बिजनेस चलता है। आपको मैं बता दूं, दुर्गा पूजा के बाद यानी कि अक्टूबर के बाद यहाँ हमारे यहाँ काम स्टार्ट होता है इसका, भट्टा का, और ये ख़त्म होता है, आपको बता दूँ तो ये बरसात आते आते ख़त्म होने के टाइम पर पहुँच जाता है, यानी कि आपको जून में आपको ख़त्म कर देना होगा। तो चलिए, अब आपको अपने ऑफिस पे आपको पता ही चल चुका होगा कि कितना का ये इसमें अप्रोक्स खर्चा लागत है इस बिजनेस के लिए। तो चलिए, आपको अपना ये भट्टा जो हमारा कहाँ पे लोकेट है और क्या इसका ऑफिस के बारे में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके मालिक आएंगे बैठेंगे पेमेंट के लिए, एक ऑफिस तो होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। ये हमारा एक ऑफिस बनाया हुआ, ये देख सकते हैं, आपको इस पे सारा डिटेल दिख रहा होगा, बाबा ईटा उद्योग जो कि मंझोलिया मदनपुर में है, ये मोबाइल नंबर है, और ये एक मालिक जो भैया हमारे, उनका भी नाम लिखा हुआ शेखर यादव। अभी आपको अंदर का टूर करवाता हूँ, किस प्रकार से हमने अंदर का सीन रखा, तो कुछ खास तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो भी इस टाइप का एक टेबल और सोफा रख दिया हमने, इधर पे एक बेड डाला हुआ, इधर किसी भगवान की फोटो है, यहाँ एक अलमारी रखे हैं जिसमें हम अपना सारा हिसाब हिसाब का डायरी वायरी रखा करते हैं, देख सकते हैं। तो एक फैन लगा हुआ, हालांकि इस गर्मी में हमने सोचा, इसमें उम्मीद होगा कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा ऑफिस भी। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ईंटे का काम होता अच्छे से और एक अच्छा ईंटा भट्टा कैसे चलेगा। तो मिलेंगे फिर से अगली नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो, या आप समझिए एक तरह से ये मेरा ऑटो ब्लॉग्स का चैनल है, तो इसमें मैंने गाड़ी के बारे में ही ज़्यादा कुछ बता रखा, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर ही लेता हूँ, तो ये कोई भारी बात नहीं है। तो मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो, आज के लिए फाइनली यहीं गाइज, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लेट्स सी यू अगेन।